हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशबू। माय चैनल नेम इज फैशनेबल गर्ल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। सो गाइस, जो कि विंटर सीजन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, विंटर सीजन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो गाइस, ये है बोरो प्लस की वैसो केयर क्रीम। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि बोरो प्लस की वैसो केयर क्रीम कौन सी है। एंड गाइज, ये विंटर सीजन में यूज आने वाली क्रीम है। इस क्रीम का यूज हम हर चीज के लिए करते हैं, अपने फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी। तो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ बोरो प्लस वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली का रिव्यू शेयर करूंगी। तो गाइज, आप लोगों को इस बोरो प्लस वैसो केयर पेट्रोलियम जेली के बारे में सब चीजें डिटेल में बताऊंगी। ये जो बोरो प्लस वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली है, इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों में ये यूज में आती है, एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, चलो, मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दे प्रेस, ताकि मैं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, कि हम इसकी पैकेजिंग किस टाइप की कैसी मिल जाती है। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो, इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बॉक्स में मिल जाती है हमें। एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो हमें ग्रीन एंड वाइट कलर की मिल जाती है, यू कैन सी। तो गाइज, इसकी पैकेजिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ऊपर इसकी कोई पैकेजिंग नहीं होती, यही इसकी पैकेजिंग है। अब बात करते हैं इस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो गाइज, इस पर लिख रखा है बोरो प्लस वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली। तो गाइज, ये हमें बोरो प्लस की वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली मिल जाती है। आप लोग को सभी को पता है, आप लोग वैसलिन के बारे में भी जानते होंगे, और जो इमामी की वैसो केयर आती है आप उसके बारे में भी जानते होंगे। तो ये उसी तरह की बोरो प्लस की वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली है। सो गाइज, इस पर लिखा है नेक्स्ट 24 आर मॉइस्चराइजेशन, यानी कि ये 24 घंटे तक हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारे हैंड्स को, हमारे लेग्स को मॉइस्चराइज करके रखती है। गाइज, इस पर नेक्स्ट लिखा है 10 सुपर हर्ब्स। तो इसके अंदर 10 सुपर हर्ब्स मिलाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए। सो गाइज, इसमें एलोवेरा मिलाया गया है। आप लोगों को सभी को पता है एलोवेरा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे पर्सन एलोवेरा का यूज़ करते हैं विंटर सीजन में भी, समर सीजन में भी। एंड नेक्स्ट, इसमें हमें नीम मिल जाती है। नीम भी आप लोगों को सभी को पता है कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए। थर्ड इसमें मिलाया गया है तुलसी। तो तुलसी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें 10 सुपर हर्ब्स मिलाए गए हैं, और सारे इसमें जितने भी सुपर हर्ब्स मिलाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके MRP की, कि हमें कितने रुपीज़ की मिल जाती है। तो गाइस, इसके MRP हमें 5 रुपीज़ मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट रेट में हमें ये पेट्रोलियम जेली मिल जाती है। एंड गाइस, इसका बड़ा वाला पैक भी आता है, अगर आप लोग चाहें तो इसका बड़ा वाला पैक भी परचेज कर सकते हैं, जो कि 45 या 50 रुपीज़ का आता है। तो गाइस, ये चीज़ की फ्रंट साइड पर मैंशन कर रखी थी, जो अभी मैंने आपको क्लियर करी। एंड गाइज, बात की जाए नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी की, तो हमें 8 ml प्लस 0.2 ml इज इक्वल टू 8.2 ml मिल जाती है। तो गाइज, इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें 8.2 ml मिल जाती है। तो 5 रुपये में हमें इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मिल जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट बात की जाए इसकी शेल्फ लाइफ की, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी है। तो इसकी शेल्फ लाइफ दे रखी है 2021 से 2024 तक। तो हमारे को शेल्फ लाइफ भी बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है, हम इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट आप लोगों को सभी को पता है 5 रुपीज़ वाला पैक है, तो इतने लॉन्ग टाइम तक तो चलना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, इसके बैक साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए हैं, और इंग्रेडिएंट्स में इसमें ग्लिसरीन भी मिली हुई है। और आप लोगों को सभी को पता है कि ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और ग्लिसरीन का यूज़ सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में ही किया जाता है। अब बात की जाए कि हम इस वाली क्रीम का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। इस वाली पेट्रोलियम जेली का यूज़ हम लोग अपने फेस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बोरो प्लस वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली का यूज़ फेस पर नहीं करते, और बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि वैसो केयर का यूज़ हम फेस पर करें या ना करें। तो गाइज, यस, आप लोग वैसो केयर का यूज फेस पे कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये बोरो प्लस की वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली है। तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, तो आप इसका यूज फेस के लिए इजिली आराम से कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ हम इसका अपने लिप्स के लिए कर सकते हैं, हम अपने लिप्स पे भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है विंटर सीजन में हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो हम लिप्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करती है, और 24 आवर्स तक हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। सो गाइस, नेक्स्ट बात कीजिए थर्ड इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। गाइस, हम इसका थर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो गाइस, ये 5 रुपीज़ वाला पैक है, इसको तो आप बॉडी के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। आप इसका जो बड़ा पैक है वो वाला परचेज करके अपनी बॉडी के लिए भी
यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे भी बहुत अच्छे से काम करेगी। आपकी बॉडी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो आप विंटर सीजन में इस वाली वैसो केयर को बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस बात की जाए नेक्स्ट की, फोर्थ हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ये जो हमारी एड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा क्रैक होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में फटने लग जाती है, तो हम इस वाली वैसो केयर को अपनी एड़ियों पे यानी कि हमारी हमारी जो हील्स एरिया होता है हम उस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी हम इसे लगा सकते हैं, जो कि इसे लगाने से हमारी जो हील्स एरिया है जहाँ से हमारी हील्स हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं वो एकदम सही हो जाएंगी, एकदम ठीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी। सो गाइस नेक्स्ट बात की जाए इसकी फिफ्थ यूज़ की, फिफ्थ यूज़ है इसका कि हम अपने नेल्स की क्यूटिकल एरियाज़ में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि गाइस हमारे जो नेल्स की क्यूटिकल्स एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में ड्राई होने लग जाता है, फटने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी खाल उतरने लग जाती है, तो हम इस वाली वैसो केयर का यूज़ नेल्स के क्यूटिकल्स एरिया में भी कर सकते हैं। तो गाइस इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, आप और भी चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ हैं इसका यूज़ हेयर्स के लिए भी करती हैं, एंड जो हमारी एल्बोज़ ब्लैक होने लग जाती हैं उसके लिए भी यूज़ करती हैं। एंड मैंने आपको इसके सिर्फ फिफ्थ यूजेस बताए हैं, एंड विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट है ये। अब नेक्स्ट बात कीजिए हम इसका यूज़ किस टाइम कर सकते हैं, इसका यूज़ हम डे में करें या नाइट में करें। गाइज इसका यूज़ आप डे टाइम में भी कर सकते हो, नाइट टाइम में भी कर सकते हो, बट डे टाइम से अच्छा आप इसे नाइट टाइम में यूज़ करो, नाइट टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको, क्योंकि गाइज डे टाइम में क्या होता है हम लोग बाहर भी जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट वगैरह होती है हमारी स्किन पे चिपक जाती है, हमारी स्किन बिल्कुल भी रिलैक्स मूड में नहीं होती डे टाइम में, नाइट टाइम में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है एंड हमारा फेस बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, तो हम नाइट टाइम में इसका यूज़ कर सकते हैं एंड नाइट टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। सो अगर आप डे टाइम में इसे यूज़ करोगे तो इसके डे टाइम में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट अगर आप इसका नाइट टाइम में यूज़ करोगे तो इसके और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस वाली वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली का यूज़ मैं नाइट टाइम में ही करती हूँ, और नाइट टाइम में मैं इसे अपने फेस पे लगा के सो जाती हूँ और अपनी लिप्स पे भी लगाती हूँ, क्योंकि गाइस विंटर सीजन में आप लोगों को सभी को पता है कि स्किन भी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती है, लिप्स भी हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेकी होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लग जाते हैं लिप्स पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है ये इन सब चीज़ों में। अगर आप इसका यूज़ 1 वीक तक डेली करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इससे मिल ही जाएंगे। इसे यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं है इसे यूज़ करने का, जैसे कि आप लोग नॉर्मल क्रीम्स लगाते हैं, नॉर्मल मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं या नॉर्मल लिप बाम अप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से इसका यूज़ करना है हमें। सो गाइज हम इसे इस तरीके से ओपन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और हमें इस पर एक इस तरह की रैपिंग मिल जाती है इसके ऊपर, और अगर हम इसे हटाते हैं तो हमें अंदर से ये जो पेट्रोलियम जेली है ये कुछ इस तरह की मिल जाती है ग्रीन कलर की। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसका किस तरह का कलर है, एंड गाइज इसे मैं अब अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको अपने हैंड पे। सो यू कैन सी गाइज आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे हैंड्स को मॉइस्चराइज कर देती है, जस्ट मैंने अभी अप्लाई करी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं अप्लाई करी, थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई करी और बहुत ही अच्छे से मेरे हैंड्स को इसने मॉइस्चराइज कर दिया है। मॉइस्चराइजेशन के लिए इन्होंने ऐसा क्लेम कर रखा है कि ये 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज करके रखती है, तो ये चीज़ भी इन्होंने सही क्लेम कर रखी है, बिकॉज मैं इसे नाइट टाइम में लगा के सो जाती हूँ तो डे टाइम तक अच्छे से मेरी लिप्स को और मेरे फेस को मॉइस्चराइज करके रखती है। सो गाइज आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ मैं इसे कहाँ कहाँ पर अप्लाई करती हूँ, तो गाइज मैं इसका यूज़ नाइट टाइम में करती हूँ एंड मैं इसे फेस पर और लिप्स पर लगाती हूँ। सो गाइज ये वाली जो वैसो केयर ये मैंने मार्केट से जाके बाय की थी, ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी, और आप इस वाली वैसो केयर को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो आप किसी भी साइट पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, हर साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉपसी पे, मिंत्रा पे, नायका पे, हर जगह ये अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग को ऑनलाइन परचेज़ नहीं करनी है, आपको मार्केट से जाके बाय करनी है, तो आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे या किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से इसे परचेज़ कर सकते हो, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग अपने लिए कोई अच्छा सा स्किन केयर प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने लिप्स के लिए, तो गाइज आप लोग बोरो प्लस की वैसो केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर करते हैं लाइक, मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, ऐसे मैं आप लोग के लिए नई नई वीडियोज लाती रहूंगी, एंड गाइज अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बस सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। सो गाइज अगर आप लोग की कोई क्वेरीज है इस वैसो केयर को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो एंड आई विल सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।